पीएम मोदी। मोदी ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। मोदी देंगे कांग्रेस के हर आरोप का जवाब। 30 रैलियां बदलेंगी बीजेपी का भाग्य। गुजरात का असली चुनावी रण शुरू हो चुका है। पीएम मोदी अब खुद चुनावी जंग में उतर चुके हैं। गुजरात में 22 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। मोदी भी गुजरात में बदली इस हवा से अच्छी तरह परिचित है, इसलिए हवा का रुख मोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। मोदी का इरादा साफ है, गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां और कांग्रेस के हर आरोप का जवाब। खबरों के अनुसार मोदी राज्य में करीब 30 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। अपने चुनाव प्रचार के पहले दिन मोदी 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सोमवार को मोदी ने अपने चुनावी दौरे की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, मैं गुजरात में अपनी रैलियां शुरू करने जा रहा हूं। मेरी पहली रैली भुज के कच्छ में होगी। ये जिला मेरे दिल के करीब है। 2001 में भूकंप के बाद दुनिया ने उनकी भावनाओं को देखा है कि कैसे वहाँ रिकॉर्ड प्रगति हुई है, जिसने समाज के सभी वर्गों को फायदा पहुँचाया है। पीएम मोदी 29 नवंबर को सोमनाथ के प्राची, भावनगर के पालीताना और नवसारी में भी सभाएं करेंगे। इन सभी इलाकों में 9 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है। गौरतलब है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करीब 1 महीने से गुजरात में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी सरकार की नीतियों पर लगातार हमला बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे रही है, लेकिन उस वजह से नहीं जिस वजह से राहुल आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह कांग्रेस गुजरात में मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब मोदी खुद चुनावी रण में उतर चुके हैं तो साफ है कि मोदी अपने अंदाज में वोटर्स को लुभाने की हर कोशिश करेंगे। मोदी न केवल राहुल के आरोपों का जवाब देंगे बल्कि राहुल पर हमले भी करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मोदी 30 रैलियों के जरिए गुजरात की जनता का रुख अपनी तरफ मोड़ पाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।